गुड मॉर्निंग बच्चों, कल हमने सांख्यिकी में माध्यिका से संबंधित प्रश्न देखे थे। आज भी हम माध्यिका से संबंधित प्रश्न देखेंगे। माध्यिका का प्रश्न है, एक निम्न सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। निम्न सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। जबकि वर्ग अंतराल दिया हो, वर्ग दिया हो 25 से 29, 25 से 29, फिर दिया है 20 से 24, फिर दिया हो 19 से, फिर 15 से 19, फिर दिया हो 10 से 14 और फिर लास्ट का दिया हो 5 से 9। यह वर्ग अंतराल दिया हो और इसकी आवृत्ति दी गई हो 3, 6, 13, 17, 12 बारता दी हो, 3, 6, 17, 13, 17 और 5 दी गई हो, तब ऐसी स्थिति में हमारे पास अपवर्जी वर्ग के रूप में लेकर हमको हल करना पड़ेगा। इसका एक अपवर्जी वर्ग, क्यों अपवर्जी वर्ग तैयार करेंगे? क्योंकि 25 से 29 दिया हुआ है और अगला पद जो दिया है वो 20 से 24 दिया है, और फिर अगला पद दिया है 15 से 19 और 10 से 14 और 5 से 9। यदि हम निचले क्रम से देखते हैं तो दिया हुआ पहला पद क्या दिया हुआ, पहला वर्ग क्या दिया है, 5 से 9, फिर 10 से 14, फिर 14 छोड़कर फिर 15 से 19, फिर 20 से 24, फिर 25 से 29। तो हम इसको क्रम से यदि ले लें, सीधे क्रम में जमा लें, पहले इसके वर्ग अंतराल को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19 और 20 से 24 और दिया है 25 से 29। तो इसकी आवृत्ति भी हम लोग चेंज कर लेते हैं, बारंबारता भी इसकी क्या हो जाएगी, इसकी बारंबारता हो जाएगी, निचले क्रम से लेंगे तो 5, 17, 13, 6 और 3। इस तरीके से हम अब इसको देखें तो प्रश्न अब हमारा इस तरीके से हो गया, 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24 और 25 से 29। ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि वर्ग अंतराल 5 और 9 और अगला क्रम जो स्टार्ट हो रहा है वो 10 से स्टार्ट हो रहा है, अर्थात 9 और 10 के बीच एक का अंतर है। इसे पहले भी हमने सवाल में बनाया है, एक का अंतर है, इसलिए हम 1 को 2 से भाग लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.5। 0.5 में हम सबसे पहले यहाँ अपवर्जी वर्ग तैयार करेंगे, अपवर्जी वर्ग कैसे तैयार करेंगे देखते हैं। 0.5 आई है तो हम 5 को 0.5 से घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4.5, से 9.5 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9.5। इसी तरीके से 10 में हम लोग घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 9.5 से ये हो जाएगा 14.5 और 15 में हम लोग 0.5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 14.5 से इसमें जोड़ देंगे 19.5। जो निम्नतम सीमा है उसमें हम लोग घटाएंगे और उच्चतम सीमा में हम लोग 0.5 को जोड़ते चलते हैं। तो क्रमशः जोड़ते घटाते और जोड़ते चल रहे हैं, हम लोग इसमें घटा रहे हैं तो 4.5 से 9.5, इसमें फिर घटा रहे हैं और इसमें जोड़ रहे हैं तो 9.5 से 14.5, फिर 14.5 से 19.5 और फिर अगला आ जाएगा 19.5 से 24.5 और फिर अगला आ जाएगा 24.5 से 29.5।
इस तरीके से हम अपवर्जी वर्ग तैयार करते हैं। अब हम यहाँ पर संचयी आवृत्ति तैयार करेंगे। संचयी बारंबारता या संचयी आवृत्ति तैयार करते हैं लोग। संचयी बारंबारता में हम पहला पद 5 का 5 रखते हैं, दूसरा पद 17 और 5 क्या हो जाएगा 22, तीसरा पद हो जाएगा 22 में 13 को जोड़ देंगे हम लोग तो हमारे पास आ जाएगा 35, और फिर 35 में 6 जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 41, और 41 में 3 जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 44। तब हम देखते हैं कि हमारे पास n बराबर जो आता है वो है 44, तो हम माध्यिका संख्या निकालते हैं यहाँ से। माध्यिका संख्या बराबर होता है n बटे 2, n बटे 2 अर्थात 44/2 काट देते हैं तो ये हो जाएगा 22। 22 को अब हम ये देखते हैं कि 22 जो है वो संचयी आवृत्ति के कौन से वर्ग में आता है, 9.5 से 14.5 के वर्ग में आता है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर यह संचयी बारंबारता, यह संचयी बारंबारता के बारंबारता के 9.5 से 14.5 वर्ग में आता है, 14.5 के वर्ग में आता है, फलस्वरूप माध्यिका वर्ग क्या हो जाएगा, फलस्वरूप माध्यिका वर्ग जो होगा वो होगा 20 से 24। 22 में आ रहा है तब हम देखते हैं माध्यिका वर्ग क्या आ जाएगा, 20 से 24 अर्थात 9.5 से 14.5 के बीच आ रहा है, फलस्वरूप माध्यिका वर्ग क्या हो जाएगा 9.5 से 14.5, इतना ही हम लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, वर्ग में आता है, अतः माध्यिका वर्ग क्या हो जाएगा 9.5 से 14.5 होगा। अब हमारे पास यहाँ से L1 बराबर हो जाएगा 9.5 और L2 बराबर हो जाएगा 14.5। L1 बराबर 9.5 और L2 बराबर 14.5 और स्मॉल f बराबर हम देखते हैं माध्यिका वर्ग की आवृत्ति। माध्यिका वर्ग की आवृत्ति हमारे पास कितना हो जा रहा है 17, और यहीं से कैपिटल F बराबर हो जाएगा हमारे पास संचयी आवृत्ति की जस्ट ऊपर वाली आवृत्ति अर्थात 5। अब हमारे पास माध्यिका की गणना करते हैं। अब हम देखते हैं माध्यिका का सूत्र लगा के माध्यिका की गणना करते हैं। माध्यिका L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल f इंटू कैपिटल n अपॉन 2 इंटू n अपॉन 2 माइनस कैपिटल f। ये सूत्र होता है, इस सूत्र से हम माध्यिका की गणना करते हैं। तो हमारे पास L1 बराबर कितना था 9.5 प्लस L2 हमारे पास है 14.5 माइनस 9.5 बटा स्मॉल f हमारे पास क्या निकला है 17, उसके स्थान पर 17 रख दिया। यहाँ से आ जाएगा n अपॉन 2 हमारे पास आया था 22 इंटू माइनस कैपिटल f हमारे पास आया है 5। हल करते हम 9.5 धन 14.5 में से 9.5 जाएगा तो बचेगा हमारे पास
5 बटा 17 गुणित हमारे पास 22 में से 5 जाएगा तो यहाँ से बचेगा 17। 17 से 17 को काट दिया, 17 एकम 17 हमारे पास क्या आ गया 9.5 × 5 बराबर 14.5। ये इसकी माध्यिका होगी आंसर के रूप में 14.5। तो माध्यिका की गणना के लिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब इस टाइप का सवाल आएगा जिसमें वर्ग अंतराल में यदि एक एक का अंतर हो तब हम वहाँ से अपवर्जी वर्ग बनाकर उस सवाल को हल करते हैं। अपवर्जी वर्ग बनाना बहुत अनिवार्य है, बिना अपवर्जी वर्ग के सवाल हल करना कठिन हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल देखते हैं हम। एक नगर में 55 परिवारों की मासिक बिजली खर्च का विवरण एक नगर में 55 परिवारों की मासिक बिजली खर्च मासिक बिजली खर्च एक नगर में 55 परिवारों की मासिक बिजली खर्च का विवरण निम्नानुसार है। निम्नानुसार है माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया हुआ है इसका और बारंबारता दिया हुआ है। वर्ग अंतराल दिया हुआ है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 35, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 दिया हुआ है। और इसकी आवृत्ति दी गई हो 4, 8, 15 20, 5, 3 इसकी आवृत्ति दी गई है 4, 8, 15, 20, 5, 3 तब यहाँ से हम संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं तब हम इसका 4 का 4 रखते हैं, 8 और 4 12, 12 और 15 हो जाएगा, 5 और 2 7, 1 और 2 2 27, उसके बाद हो जाएगा 27 और 20 हो गया 47, 47 और 5 हो जाएगा 7 5 12 2 52, और 52 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ से 55। तब हम माध्यिका संख्या ज्ञात करते हैं। माध्यिका संख्या बराबर होता है n/2 अर्थात 55/2, और 55/2 को यदि भाग लगा देते हैं तो यहाँ से आ जाता है 27.5। अब हम देखते हैं कि 27.5 बारंबारता बटन के कौन से सारणी में आता है, तो
संचयी आवृत्ति के कौन से सारणी में आता है, तो 47वें पद पे आता है। तो हम देखते हैं कि 27.5 संचयी बारम वार्ता के बारंबारता के 47 के अंतर्गत आता है। अतः माध्यिका वर्ग कौन सा हो जाएगा, माध्यिका वर्ग 40 से 50 के बीच होगा। तब यहाँ से L1 बराबर क्या हो जाएगा 40, L2 बराबर हो जाएगा 50, स्मॉल f बराबर हो जाएगा यहाँ से 20 और कैपिटल F बराबर हो जाएगा यहाँ से 27। अब हमारे पास सूत्र होता है, इस सूत्र से हम गणना करते हैं माध्यिका की। माध्यिका का सूत्र होता है L1 plus L2 minus L1 / f गुणित N/2 - F। ये है माध्यिका का सूत्र। यहाँ से हम L1 का मान रखते हैं 40 धन L2 का मान दिया है 50 माइनस 40 बटे स्मॉल f हमारे पास है 20 गुणित कैपिटल N/2 हमारे पास कितना आया था 27.5 और गुणित इसको हम माइनस कैपिटल F हमारे पास कितना आया था 27। हल करते हैं हम यहाँ से 40 धन ये हो जाएगा 10/20 गुणित 27.5 में से 27 जाएगा तो 0.5 आ जाएगा। तो यहाँ से 40 धन 10/20 और 0.5 इस सबको यदि हम हल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0.25। 10/20 को भाग लगा देना और 0.5 से गुणा कर दोगे तो हमारे पास आएगा 0.25। तब हम इसको जोड़ देते हैं 40 से तो 40 धन 0.5 क्या आ जाएगा 40.25। ये इसका माध्यिका हो जाएगा। माध्यिका की गणना में हम देखते हैं कि माध्यिका जो आती है वो 40.25 आती है। देखते हैं हम अगला सवाल जो माध्यिका से ही संबंधित है। प्रश्न है कि निम्नलिखित सारणी में माध्यिका की गणना कीजिए। निम्नलिखित सारणी में माध्यिका की गणना कीजिए। जबकि सारणी दी गई हो, वर्ग दिया हो और बारंबारता दी गई हो
दी गई हो 10 से 15, 15 से 20, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40 दी गई हो। और इसकी आवृत्ति दी गई हो 4, 6, 8, 5, 3, 2। तो इसमें भी माध्यिका की गणना करनी हमको, माध्यिका की गणना करनी है और माध्यिका की गणना करने के लिए हमको इसकी संचयी आवृत्ति ज्ञात करनी पड़ेगी। और संचयी आवृत्ति ज्ञात करके करने के बाद हम इस सूत्र के माध्यम से माध्यिका की गणना करेंगे। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता में हम ये देखते हैं कि चार की आवृत्ति चार ही रहेगी और क्रमशः हम जोड़ते चले जाएंगे नीचे तक, तो ये आ जाता है 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 और 5 हो जाएगा 23, 23 और 3 हो जाएगा 26 और 26 और 2 हो जाएगा 28। इस तरीके से हम देखते हैं कि संचयी बारंबारता का अंतिम योग जो है 28 आता है और 28 जो है n का मान हो जाएगा, n बराबर 28। जब n बराबर 28 हो जाएगा तो 28 के में हम n बटे 2 का मान ज्ञात करेंगे। n बटे 2 अर्थात 28 बटे 2। 28 बटे 2 को हम 2 से भाग लगा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 14, 2 एकम 2 और 2 चौकाट 14 आ जाएगा। 14 को अब हम देखते हैं कि संचयी बारंबारता के कौन से अंक में आता है। वो 14 देखते हैं हम तो 18 में आ रहा है, तो हम ये बताएंगे अतः 14 संचयी बारंबारता बारंबारता के 18 में स्थित है। अतः संगत वर्ग 20 और 25 होगा। अट्ठारह के बीच में स्थित है, तब हम ऐसी स्थिति में देखते हैं कि 20 और 25 के बीच आता है, तब L1 बराबर हो जाएगा हमारे पास 20, L2 बराबर हो जाएगा हमारे पास 25 और स्मॉल f बराबर हो जाएगा हमारे पास 8 और कैपिटल F बराबर होगा 18 से पहले अर्थात 10। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि स्मॉल f जो है वो आवृत्ति है और कैपिटल F जो है वो संचयी आवृत्ति के एक पहले की आवृत्ति है। जब हमारे पास L1 बराबर 20, L2 बराबर 25 और F बराबर 8 और कैपिटल F बराबर 10 तथा n अपॉन 2 बराबर 14 है, तब हम माध्यिका का सूत्र पुनः लगाएंगे और माध्यिका के सूत्र में रख कर माध्यिका की गणना करेंगे। माध्यिका का सूत्र है माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा स्मॉल f इंटू कैपिटल n अपॉन 2 माइनस
कैपिटल एफ। यह है माध्यिका का सूत्र। माध्यिका के सूत्र में जब हमारे पास L1 बराबर 20, L2 बराबर 25 और F बराबर 8 तथा कैपिटल F बराबर 10 है, इस मान को हम माध्यिका में रख के गणना करते हैं। L1 हो गया 20 धन, L2 का मान दिया है 25 माइनस 20 बटे स्मॉल F का मान दिया है हमारे पास 8 गुणित N अपॉन 2 का मान दिया है 14 और माइनस स्मॉल कैपिटल एफ जो दिया है वो है 10। हल करते हैं हम लोग। 20 धन 25 में से 20 जाएगा तो बचेगा 8, 5 बटा 8 गुणित 10 में से 14 जाएगा, 14 में से 10 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 4। 4 को हम इधर से काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इस तरीके से हमारे पास आ जाता है 20 धन 5 बटा 2। जब 20 धन 5 बटे 2 आता है तब हम आगे हल करते हैं। 20 धन 5 बटे 2 को 2 से भाग, 5 को 2 से भाग लगा देंगे तो आ जाएगा 2.5 और इस तरीके से आ जाएगा 22.5। अतः माध्यिका बराबर आ जाएगा 22.5। ये इसका आंसर आ जाएगा। ऐसा ही एक डिफरेंट टाइप का एक प्रश्न देखते हम कि निम्नांकित सारणी में विभिन्न आयु वर्ग के पुरुषों की निम्नांकित सारणी में विभिन्न आयु वर्ग के विभिन्न आयु वर्ग के पुरुषों की संख्या दर्शाई गई है। इनकी माध्यिका की गणना कीजिए। माध्यिका आयु ज्ञात कीजिए। तब हम इसकी सारणी बनाते हैं। सारणी दिया हुआ इसमें आयु वर्ग वर्ष में पांच से चौदह, 15 से 24, 24 से 25 से 34, 35 से 44, 45 से 54,
55 से 64, 65 से 74 इस तरीके से दी गई है आयु वर्ष में, और इसकी आवृत्ति दी गई है 447 307 289 220 157 और दिया हुआ है 91 और 39। तब हम यहाँ पर इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर कि आयु वर्ग में अलग अलग दिया हुआ है। देखो वर्ग अंतराल थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, 5 से 14, परंतु आवृत्ति अगली आवृत्ति जो प्रारंभ होनी चाहिए थी वो 14 से, परंतु यहाँ पर क्या दिया है 5 से 14, और अगली आवृत्ति जो आ रही है वो 15 से 24 हो जा रही है, और यहाँ पर भी एक छोड़कर हो रहा है 25 से 34, 34 के बाद 35 आ गया है, 35 के बाद 45 आ गया है, 44, 44 से 45 आ गया है, 45 से 54 आने के बाद फिर सीधा 55 से 64 आ गया है, और 64 के बाद सीधा 65 से 74 आ गया। ऐसी स्थिति में हम एक अपवर्जी वर्ग तैयार करते हैं, इसका अपवर्जी वर्ग। अपवर्जी वर्ग तैयार करने के लिए हमको यह ध्यान देना पड़ता है इसमें कि 14 और 15 के बीच कितने का अंतर है। 14 और 15 के बीच हम देखते हैं एक का अंतर आ रहा है, एक का अंतर आ रहा है, तो एक को हम 2 से भाग लगा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.5। ध्यान से सुनिएगा कि 14 और 15 के बीच एक का अंतर आ रहा है, एक को हम 2 से भाग लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.5, और 0.5 में हम क्या करेंगे कि निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा में, निम्नतम सीमा में हम क्या करेंगे एक घटाएंगे, 0.5 को 5 से घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.5, और 0.5 को हम 14 से जोड़ देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 14.5। हम क्या कर रहे हैं कि 5 में 0.5 को घटा रहे हैं और 14 में 0.5 को हम जोड़ दे रहे हैं। 0.5 कहाँ से आया, 0.5 14 और 15 के बीच एक का अंतर है, तो हम एक को 2 से भाग देने पर जो संख्या आ रही है उस संख्या में हम निम्नतम सीमा से उसको घटाएंगे उस संख्या को, और उच्चतम सीमा में उसी संख्या से जोड़ देंगे। तो हम देखते हैं कि अपवर्जी वर्ग के रूप में प्राप्त होता है। अपवर्जी वर्ग में 4.5 से 14.5, वैसे 15 में हम लोग 0.5 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 14.5 से, ये हो जाएगा 24.5, फिर ये हो जाएगा 24.5 से 34.5, और फिर यहां पर आ जाएगा 34.5 से 44.5, यहाँ पर आ जाएगा 44.5 से 54.5, फिर 54.5 से 64.5, और ये हो जाएगा 64.5 से 74.5। ये अपवर्जी वर्ग को ज्ञात करना पड़ेगा कब, जब वर्ग अंतराल में एक का अंतर हो, अगले वर्ग के अंतराल में एक का अंतर हो, तब ऐसी स्थिति में हम अपवर्जी वर्ग ज्ञात करते हैं। अपवर्जी वर्ग ज्ञात करने के बाद जैसे हम माध्यिका ज्ञात करते थे बिल्कुल वैसे ही हम सबसे पहले संचयी आवृत्ति ज्ञात करेंगे। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं 447 क्या ज्यों का त्यों लिखेंगे हम, 447 में 307 को हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 754।
754 में हम 279 को जोड़ देते हैं, 289 को जोड़ देते हैं हम तो हमारे पास आ जाता है 1033। फिर 1033 में 220 को जोड़ देते तो हमारे पास आ जाता है 1253। 1253 में 157 को जोड़ देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1410। और 1410 में हम 91 जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1501। और 1501 में हम 39 को जोड़ देते तो हमारे पास आ जाता है 1540। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि संचयी बारंबारता में कैपिटल एन बराबर आ जाता है 1540। जब 1540 आ गया तब हम क्या ज्ञात करेंगे यहां से, एन बटा दो। एन बटे दो अर्थात 1540 बटा दो, दो सत्य 14 बचा, एक दो सत्य 14 आ गया 770। एन अपन टू का मान, जब एन अपन टू का मान 770 आ गया तब हम ये देखेंगे कि संचयी बारंबारता के कौन से पद में आता है ये। तो हम अतः 770 संचयी बारंबारता के 1033 में आता है, अतः 1033 में आता है, अतः उसके संगत वर्ग 24.5 से 34.5 होगा। 24.5 तथा 34.5 के बीच का वर्ग होगा। तब हम यहां से L1 बराबर देखते हैं 24.5, L2 बराबर देखते हैं हम 34.5, स्मॉल f का मान हो जाएगा यहां पर से, स्मॉल f का मान हो जाएगा यहां से 279, 289 और कैपिटल एफ जो होगा वो होगा इसके ऊपर के अर्थात 754। कैपिटल एफ जो होगा वो 754। जब हमारे पास एल वन 24.5, एल टू हमारे पास 34.5 और स्मॉल एफ हमारे पास 289 है और कैपिटल एफ हमारे पास है 754, तब हम इसकी गणना माध्यिका के सूत्र लगाकर हल करते हैं। माध्यिका का सूत्र लगाते हैं यहां से, माध्यिका का सूत्र होता है L1 plus L2 minus L1 upon small f
कैपिटल एन अपॉन टू माइनस कैपिटल एफ। इस सूत्र से हम दिए गए मानों को रखकर उसकी गणना करेंगे। माध्यिका बराबर हो जाएगा L1, L1 हमारे पास दिया है 24.5, धन L2 का मान दिया हमारे पास 34.5 माइनस 24.5 बटा स्मॉल f दिया है हमारे पास 279, स्मॉल f बराबर दिया हमारे पास 279 और n अपन 2 का मान दिया है हमारे पास 770 माइनस स्मॉल f दी कैपिटल f दिया है 754। आगे हल करते हैं, हम देखते हैं यहाँ से 24.5 धन 34.5 में से हम 24.5 को घटा देते तो हमारे पास बच जाता है 10 बटा 279 इंटू 770 में हम 754 को घटा देते हैं तो हमारे पास बच जाएगा 16। इस तरीके से हम इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 24.5 धन 16 का 10 से गुणा कर देंगे तो 16 दाम हो जाएगा 160 बचा बटा 279। इसी तरीके से हम आगे हल करते हैं तो 24.5 माध्यिका बराबर 24.5 धन 160 को 279 से भाग लगा देते तो हमारे पास आ जाता है 0.57 और उसके बाद जब हम इसको जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 25.07। ये इसका माध्यिका हो जाता है। ये फॉर रिक्वायर्ड आंसर इज 25.07। इस तरीके से हम देखते हैं कि माध्यिका की गणना करने के पश्चात हमें जब वर्ग अंतराल अलग अलग दिया हो तब हम इसकी गणना इस तरीके से करते हैं। माध्यिका आता है 25.07। इस तरीके से माध्यिका का आज ये अध्याय खत्म होता है। कल हम देखेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का अगला अध्याय और अगला प्रकार बहुलक। धन्यवाद।